आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में। मैं अंशु पटेल, चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गंदे पानी का छींटा पटने की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। उतरोला तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपराराम उतरोला बलरामपुर गंदे पानी का छींटा पटने की बात को लेकर कोतवाली उतरोला क्षेत्र के पिपराराम गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से फरसा लाठी चलने लगी। दोनों पक्ष के सात लोग जख्मी हो गए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक पक्ष के रामदेव ने इलाज के दौरान लखनऊ के एक निजी अस्पताल में शनिवार को दम तोड़ दिया। रामदेव की मौत की खबर मिलते ही कोतवाली उतरोला की पुलिस हरकत में आ गई। गांव में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पीएससी व पुलिस बल तैनात कर दी गई। सीओ उतरोला ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दूसरे पक्ष के आरोपियों को संयुक्त जिला अस्पताल बलरामपुर में इलाज के दौरान अभिरक्षा में ले लिया गया। कोतवाली उतरोला में प्रभारी निरीक्षक पंकज ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे दूसरे पक्ष के भोला सोच के लिए खेत गए थे। खेत से घर की तरफ आते समय रास्ते में रामदेव का भतीजा शिवाकांत कुत्ते को भगाने के लिए ईंट फेंकी तो सड़क के पानी भरे गड्ढे में जा गिरी और गंदा पानी का छींटा भोला पर पड़ गया। इससे नाराज भोला ने गाली गलौज शुरू कर दी। बात बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर फरसा लाठी लेकर हमलावर हो गए। इसमें एक पक्ष के अनोखी रामदेव व शिवाकांत व दूसरे पक्ष के भोला शिवकरण धर्मेंद्र कुमार जितेंद्र को चोटें आई। इस संघर्ष में रामदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले उतरोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत नाजुक होने के कारण यहां से संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर फिर बहाइच जिला अस्पताल ले जाए गए। बहाइच से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। लखनऊ में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रामदेव की मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक का शव गांव नहीं पहुंचा है, मौके पर शांति है। भोला शिवकरण धर्मेंद्र कुमार गांव नहीं पहुंचे हैं, मौके पर शांति है। भोला शिवकरण धर्मेंद्र कुमार व जितेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। महेश प्रसाद भारती, तहसील रिपोर्टर उतरोला बलरामपुर। देखते रहिए भोजन इंडिया 24 न्यूज चैनल।